ही गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अनदर वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ आपको रो मिल्क लेना है और एक बॉल में कॉटन पैड लेके इनको डिप करके फ्रिज में चार से पाँच मिनट के लिए रख देना है। आपको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, उससे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। अभी आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, एक्सपेक्टेड लिपस्टिक कुछ नहीं है मेरे फेस पे फिलहाल, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, ये जो कॉटन है इसको ऐसे स्क्वीज कर लेना है, मिल्क को जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो सब इसमें बोल में रह जाए। और आपको जो ये कॉटन पैड है इसको फैला के जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, डार्क पैच है या कोई निशान है, दाग धब्बे हैं, वहाँ इस तरीके से डैप कर लेना है। होगा क्या, एक तो जो रॉ मिल्क होता है वो उसमें अपनी ही इतनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि सबसे पहले तो ये ठंडा है, फ्रिज का है, तो कूलिंग सेंसेशन देगा आपके फेस को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें भरपूर मात्रा में जो फेस के दाग धब्बे होते हैं, पिगमेंटेशन होती हैं, झाइयाँ होती हैं या फिर डार्क स्पॉट होते हैं, निशान होते हैं, इनफैक्ट कोई मार्क भी होते हैं ना जैसे सर्जरी के, वो भी अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे वो भी चले जाते हैं अगर आप कॉन्टिन्यूसली यूज़ करोगे तो, ठीक है। आपको जहाँ भी आपके पिगमेंटेशन या झाइयाँ जो कुछ भी है वहाँ आपको ये 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से लगा के रखना है। जहाँ भी आपके पैचेस हैं आप लगा लें, या फिर बाज़ार में जो शीट मास्क होते हैं ना उनकी बॉल्स मिलती है, जैसे ही हम उसे लिक्विड में डिप करते हैं वो फूल जाती है, फैल जाती है, या फिर उसको लगाओ और उसको दूध में डिप करके उसके फेस पे लगाने के बाद फिर इस तरह से उससे कॉटन से और मिल्क ले लेके उस पर डैप डैप करते रहो, ठीक है। तो अभी आपको 5 से 7 मिनट लगा के रखना है और उसके बाद आपको धुल देना है। उसके बाद हम अपना मास्क रेडी करते हैं जो कि हमें इस प्रोसेस के बाद लगाना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब यहाँ पे हम एक फेस पैक रेडी करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है मुलैठी पाउडर। कोई भी इंग्रेडिएंट आपको मिस नहीं करना है अगर आप चाहते हैं आपकी झाइयाँ और दाग धब्बे सही हो। उसके बाद आपको लेना है जायफल का पाउडर, या जायफल आपको वैसे मिले तो आप उसको फोड़ के और पीस के बना सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है कस्तूरी हल्दी। अगर थोड़ा सा फेस पे कलर आए तो डोंट वरी, क्योंकि ये थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी कलर देगी आपके फेस को। उसके बाद आपको ये अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप अगला प्रोसीजर देख लेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट बाद अब हम इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो आपने ये पैक बनाया है इसको या तो इन्हीं कॉटन पैड पे या फिर आप अलग से ले लीजिए। मैं यही कॉटन पैड दूसरी साइड से लूँगी और इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी, ठीक है। ये जो भी मेरा वो आपको पता ही लग जाएगा आगे वीडियो में से मैंने क्या क्या मिक्स किया हुआ है। इस पूरे पे फैलाने के बाद मैं फिर इसको वहीं पे रख लूँगी जहाँ मेरे पिगमेंटेशन या झाइयाँ थी या हैं या जो भी है, ठीक है। थोड़ा सा ही चिपकाने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा लेकिन आप ऐसे करके लेट जाना। बेसिकली क्या है, आपको जहां जहां भी आपको दाग धब्बे या जो भी प्रॉब्लम है ना वहां पे आपको इस टाइप से इसको पैच बना के रख लेना है। ये जो सेम दूध वाले हम लेंगे ना पैड, इनमें से थोड़ा सा निकलेगा। अगर आप ड्राई लेना चाहते हो ड्राई ले लो, मैंने इसलिए लिया है जो इनका पीछे इनमें बचा हुआ है मिल्क का एसेंस वो दोबारा हमारी स्किन में आ जाए अच्छे से, ठीक है। बेसिकली हमको झाई होती कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। माथे पे तो मैंने आज तक सुना नहीं है किसी को थी, और वो बस इसी पोर्शन में वो फैलती है और आपको यहीं पे अपना वर्क करना है, ठीक है। बेसिकली आपको इस एरिया में वर्क करना है, ठीक है।
अब आपको ऐसे करके ये छोड़ देनी है। इसको आप छोड़ के थोड़ी देर लेट जाए, 20-25 मिनट जितनी देर आप रख सकें इसको रखें। ये क्या होगा, आपकी स्किन में ना, जैसे आपने ये यहाँ पे रख लिया, यूज क्वांटिटी में रखा है, तो ये स्किन में ना जो भी मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं वो पेनिट्रेट करेंगे स्किन में बहुत ही अच्छी तरीके से, स्किन उनको अब्जॉर्व करेगी। ठीक है, शुरू के 2-3 मिनट तो क्या होता है, स्किन के पोर्स के अंदर ही जाने में बहुत मतलब टाइम लग जाता है। उसके बाद स्किन जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को आगे करते जाएंगे तो स्किन इसकी हैबिचुअल हो जाएगी। ठीक है, वो इन इंग्रेडिएंट के साथ कांटेक्ट में आने से रिएक्ट करने शुरू करेगी। एकदम से ठीक नहीं होता, कोई कहे रात भर में ठीक हो जाता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आप महंगे से महंगे ट्रीटमेंट भी लेंगे उनमें भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से रख के छोड़ देना है, आपकी स्किन में ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, चला जाए। और इनमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन के लिए हार्म हो, बेकार करे, स्किन में कुछ रिएक्शन करे। लेकिन फिर भी आपको अगर पैच टेस्ट करना है तो वो आपके लिए तो अच्छा ही है, वो तो आपको करना ही चाहिए। तो इस तरह से आप इसको लगा के अब छोड़ दें और मिलते हैं हम 20-25 मिनट बाद डायरेक्ट। ठीक है, तब तो अब इसको 20 मिनट हो चुके हैं, मैं 20 मिनट में ही निकाल रही हूँ। ठीक है, तो अब आपको ये इस तरह से जहाँ पे आपने फेस पैक लगाया वहाँ हल्के हल्के मोशन में रब करके इसको निकाल लेना है। ठीक है, देखिए ये ड्राई नहीं हुआ ना, क्योंकि इसको ड्राई होना भी नहीं है। आप इसको पूरे फेस पे करिए, पूरे फेस पे करेंगे और भी अच्छा है, या जहाँ पे वहाँ आपको 2-3 मिनट इस तरह मसाज करनी है। उसके बाद मैं आपको फेस तो आपको धुलना ही है, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉटन से निकाल के दिखा रही हूँ। ठीक है, बशर्ते आप इसको करते वक्त पूरा ध्यान रखें फेस बिल्कुल क्लीन हो, फेस वॉश से क्लीन रखें फेस को। फेस वॉश से क्लीन करने के बाद, फेस वॉश जब से क्लीन कर लो उसके बाद एक बार कॉटन पैड से क्लीन करें, देन आप इसको अप्लाई करें। अभी मैं फेस धुल के आती हूँ तब आपको दिखा। अब मैं फेस धो के आ चुकी हूँ और अब मैं टॉवल से साफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, पक्का रिजल्ट मिलेगा 100% 100%। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, डाइट पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।